नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। भू संतुलन के क्रम में देखते हैं जौली की संकल्पना। एरी, प्राट, हरिस्केनन, होकोड़ और डोबी की संकल्पना के साथ बाद अब हम देखते हैं कि जौली की संकल्पना, जौली ने क्या बताया अपने भू संतुलन सिद्धांत में। अन्य विद्वानों की भांति जौली महोदय ने भी पृथ्वी पर संतुलन की स्थिति को, संतुलन की परिभाषा वगैरह में बताया जा चुका है, तो उन्होंने बताया कि मैं पृथ्वी पर जो स्थल भाग पर्वत पठार मैदान है या कि संतुलन की अवस्था में कैसे है। इन्होंने बताया कि धरातल के अंदर 16 किलोमीटर की गहराई पर एक क्षतिपूर्ति मंडल है। 16 किलोमीटर की गहराई पर एक क्षतिपूर्ति मंडल है। इसी मंडल में भिन्न भिन्न घनत्व की चट्टानें हैं, अर्थात मैदानों का स्तंभ। इधर देख लीजिए, धरातल में जो स्तंभ है, तटीय भाग बहुत ऊंचे हैं, मैदान उससे ऊंचे हैं, पठार उससे भी अधिक ऊंचे हैं और पर्वत उससे भी अधिक ऊंचे हैं। तो जौली ने कहा कि सभी एक प्रकार से स्तंभ हैं, धरातल ये चट्टानों रूपी स्तंभ हैं, खंभे हैं, जो कि धरातल में 16 किलोमीटर के गहराई पर विद्यमान एक क्षतिपूर्ति तल पर रुके हुए हैं। क्षतिपूर्ति तल है, क्षतिपूर्ति मंडल है। इस मंडल में कम घनत्व वाली चट्टान के नीचे, या यूं कहें जो ज्यादा ऊंची है, ज्यादा ऊंची चट्टान के नीचे अधिक घनत्व वाली चट्टान है, कम ऊंचे कम घनत्व, जितने जितने ऊंचाई वाले पदार्थ हैं उनके नीचे ये क्षतिपूर्ति मंडल उसी घनत्व में पाया जाता है। अर्थात कम घनत्व वाली चट्टान के नीचे कम घनत्व का क्षतिपूर्ति मंडल विकसित हो जाता है, मैदान के नीचे उससे भी पठार उससे ज्यादा बड़ा होता है, उसी क्रम में इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। और इसी क्षतिपूर्ति मंडल के सहारे समस्त पर्वत पठार मैदान स्थिर हैं, संतुलन की अवस्था में है। ये था जौली का सिद्धांत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, हो सकता है ओम सकार संतुलन सिद्धांत बताया जाएगा। तब तक के लिए